हरियाणा के गुरुग्राम के कुछ निवेशकों ने एटीएस बिल्डर पर फ्रॉड करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। निवेशकों का आरोप है कि एटीएस बिल्डर ने स्कीम में निवेश करने के नाम पर धोखा दिया और अब आलम यह है कि इन्वेस्टर अपने पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने गुड़गांव के सेक्टर 109 में एटीएस ट्यूबलाइन के कई खरीदारों के मामले को देखने के लिए आईआरपी नियुक्त किया। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे खरीदारों ने एटीएस की स्कीम के तहत गारंटीड बायबैक ऑफर खरीदा, लेकिन एटीएस की इस स्कीम का मामला अब फंसता नजर आ रहा है। एक धोखे ने तोड़ दिया आशा, बिल्डर की स्कीम बनी तमाशा, तिनका तिनका बिखर गए ख्वाब, इन्वेस्टर्स पर भारी बिल्डर का रुआब। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत कुछ है, बस इसी सपने को पूरा करने के लिए एक आम आदमी दिन रात खटता है, अपने पेट से लेकर अपनी जरूरतों तक मैं कटौती करता है, लेकिन कुछ लोगों की बेईमानी और बदनीयती उनकी इस ख्वाब को बिखेर कर रख देती है, उनकी तमन्ना को चकनाचूर कर देती है। इन दो तस्वीरों को देखिए, दोनों बयां कर रही हैं धोखाधड़ी के उस खेल को जिसने इन बिल्डिंगों की बुनियाद तो मजबूत कर दी, लेकिन इन बिल्डिंग्स के सहारे अपने घर की बुनियाद को मजबूत करने की तमन्ना रखने वाले इन लोगों के सपनों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। दरअसल ये पूरा मामला गुरुग्राम का है, जहां एटीएस बिल्डर पर इन्वेस्टर्स फ्रॉड करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इन्वेस्टर्स का कहना है कि एटीएस बिल्डर स्कीम में इन्वेस्ट कराने के नाम पर उनके करोड़ों रुपए डकार गया और अब बात तक करने का नाम नहीं ले रहा। एक सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत 30-35 लाख रुपए हमें दें और उसके 3 साल बाद हम आपको 1500 रुपए का एक अशोर्ड रिटर्न देंगे, तो मूलधन और 1500 रुपए मिला करके लगभग 62-63 लाख रुपए की राशि बिल्डर को हमें देनी थी। हमें पता नहीं कि हमारे पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं। एटीएस जैसे ब्रांड के ने हमसे छल किया और इससे हम बहुत आहत हैं। ये पूरा मामला समझने के लिए हमें 5 साल पीछे चलना पड़ेगा, साल 2014। जी हाँ, साल 2014 में एटीएस बिल्डर गुड़गांव के सेक्टर 109 में एक प्रोजेक्ट बनाने के नाम पर स्कीम लेकर आया और लोगों से अपील की कि अगर लोग इस स्कीम के तहत 36 लाख रुपए लगाएंगे तो 3 साल में उन्हें 26,25,000 रुपए बढ़ाकर रिटर्न किएगी। और ये दस्तावेज इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं कि किस तरह से बिल्डर ने लोगों से एग्रीमेंट भी कराया। एटीएस की इस मुनाफे वाली स्कीम के झांसे में आकर लोगों ने अपनी जमा पूंजी को बिल्डर की स्कीम में फंसा दिया। यही नहीं, कुछ लोगों ने तो बैंकों से लोन लेकर बिल्डर की स्कीम में इन्वेस्ट किया। इस तरह से करीब 80 लोगों ने बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, बिल्डर के खाते में रुपए पहुंच गए। इस तरह धीरे धीरे एक एक करके 3 साल बीत गए, लेकिन इन 3 साल बीत जाने के बावजूद बिल्डर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगर कुछ आया तो बस नोटिस। दिसंबर 2018 के बाद से लोगों के चेक भी बाउंस हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ईएमआई के जो रुपए बिल्डर के खाते से कटने थे, इन्वेस्टर्स के मुताबिक वो दिसंबर 2018 से इन्वेस्टर्स के खाते से ही कट रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम था डॉर्मा लाइन, तो हमने वहाँ पे एक बायबैक स्कीम थी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया था, जिसमें ये था कि आप एक अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और 3 साल बाद एक अशॉर्ड रिटर्न आपको मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट का एक क्राइटेरिया जो एटीएस की तरफ से था वो ये था कि हम एक स्पेसिफिक लोन के लिए एलिजिबल होने चाहिए। जो भी डिसबर्समेंट हुई वो डायरेक्ट एटीएस की जो कंपनी है जो ये बिल्ड कर रही थी उनके नाम पे गया, हमारे खाते में कोई लोन नहीं आया। हमारे जो इन्वेस्टमेंट था उसका बेसिक अमाउंट भी मिलेगा कि नहीं, हमारे को तो डर है। यानी निकले थे हरी भजन को और ओटन लगे कपास। बहरहाल परेशान लोगों ने बिल्डर के नोएडा ऑफिस में जाकर पूछताछ शुरू की, लेकिन वहाँ भी इन लोगों से कोई बात करने को तैयार नहीं था। इन्वेस्टर्स के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था।
क्योंकि कुछ ज्यादा पानी की आस में जो अपना था अब उसे भी गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। अपने स्तर पर तमाम जद्दोजहद करने के बाद अब लोगों ने इस पूरे मामले में एनसीएलटी में शिकायत दर्ज की है। अब ये मामला दिल्ली की एनसीएलटी के कोर्ट में चल रहा है, जहां पर इसी महीने सुनवाई होनी है। हम इस वक्त नोएडा के सेक्टर 137 में मौजूद एटीएस बिल्डर का मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही ऑफिस है जहां पर ये पूरा एटीएस बिल्डर का जो कारोबार यहां से चलता है। एटीएस बिल्डर क्योंकि अपने आप में एक बड़ा नाम है और उसके बावजूद जिस तरह से उसने ठगी की है तो कहीं ना कहीं एटीएस बिल्डर पर खड़े जो सवाल खड़े होने वो लाजमी है। अब जो बायर्स हैं वो काफी परेशान हैं। बायर्स का कहना है कि इस तरह के 80 इन्वेस्टर हैं जिन्होंने एटीएस बिल्डर के नाम पर मोटी रकम एटीएस बिल्डर को दी, लेकिन एटीएस बिल्डर अब उनसे ना तो मिल रहा है ना ही उनको पैसा रिटर्न कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 400 BC का पूरा मामला जो है ये बनता है और इसको लेकर के बायर्स ने बकायदा कंप्लेंट एनसीएलटी में दिल्ली में जो मौजूद है ऑफिस वहां पर ये की है। और अब बायर्स क्योंकि बायर्स ने बकायदा जो है बायर्स ने अपने जो है जमा पूंजी इस बिल्डर को दी है और बकायदा एक लोन करा करके इस बिल्डर को अपना जो पैसा दिया, लेकिन ना तो अब जो बिल्डर है वो बायर्स को इंश्योर रिटर्न दे रहा है ना ही उनसे मिलने की जहमत उठा रहा है। और अब बायर्स जो है काफी परेशान होने के साथ साथ नोएडा के डीएम और एसएसपी से मिलकर बिल्डर की शिकायत करने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन केसर के साथ संजीव कुमार, समाचार प्लस, नोएडा। एटीएस बिल्डर्स ने निवेशकों को झूठी स्कीम का झांसा देकर करोड़ों की ठगी की और साथ ही कुछ दस्तावेजों की भी तैयारी की, जिससे ये साफ हो रहा है कि किस तरह बिल्डर ने बायबैक एग्रीमेंट कराया। और आपको बता दें इन दस्तावेजों में निवेशकों सहित बिल्डर के भी नाम हैं, जिससे बिल्डर की तरफ शक की सुई जाती नजर आती है। ध्यान से देखिए इन दस्तावेजों को, ये गवाही दे रहे हैं कि किस तरह एटीएस बिल्डर ने लोगों से बकायदा बैंक एग्रीमेंट कराया। इसमें बिल्डर और इन्वेस्टर दोनों के नाम भी मौजूद हैं, जो बिल्डर के खिलाफ शक की बुनियाद को और पुख्ता कर रहे हैं। अब थोड़ा ठहरिए, जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही हर कहानी की दो तस्वीरें भी होती हैं। हमने इन्वेस्टर्स की बात तो सुन ली, उनके पहलू को भी समझ लिया, लेकिन किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए दोनों पक्षों की बात जानना बेहद जरूरी है। लिहाजा हमारे रिपोर्टर ने एटीएस बिल्डर से बात कर उनका पक्ष भी जानना चाहा, लेकिन एटीएस बिल्डर की तरफ से कोई भी कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था। एटीएस बिल्डर इस मामले में कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आया। एटीएस का एक प्रोजेक्ट है जो कि सेक्टर 109 में मौजूद है और हम वही उसी प्रोजेक्ट पर इस वक्त खड़े हैं, जो कि ट्रोमोलाइन एक प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर पूरा ये बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा 28 मंजिला ये पूरा प्रोजेक्ट है और ये पूरा प्रोजेक्ट अब विवादों के घेरे में है। एटीएस बिल्डर के जो मालिक है गीतांबर आनंद, वो किरदाई के भी जो है चेयरमैन रह चुके हैं, जो किरदाई एक संस्था बनाई गई थी, लेकिन एटीएस जिस तरह से एटीएस काफी नामी बिल्डर बताया जाता है, लेकिन उसके जो प्रोजेक्ट है जो गुरुग्राम में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा अभी जो रोड काफी यहाँ पर अभी ये अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है। और जिस तरह से बायर्स ने इसकी शिकायत की है तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो यहाँ पर खामियां हैं वो बायर्स के सामने जरूर जो है आई होंगी। उसी को लेकर के कितनी जो है यहाँ पर खामियां हैं वो सब उन शिकायतों को लेकर जो है बायर्स हैं वो सीधे जो है एनसीएलटी में गए और एनसीएलटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। और देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से एटीएस बिल्डर काफी नामी बिल्डर है, उसके बावजूद इस तरह के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि किस तरह से एटीएस बिल्डर अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनमें जो है बायर्स नाराज हैं। जाहिर है इस गंभीर मामले पर एटीएस की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। इन्वेस्टर्स के धोखाधड़ी के तमाम दावों पर ये खामोशी अपनी मोहर लगा रही है। ये मसला महज उन रुपयों के डूबने का नहीं जो इन लोगों ने झांसे में आकर लगाए हैं, ये मसला उन उम्मीदों के टूटने का भी है जो इन लोगों ने एटीएस बिल्डर से लगाई थी, उस ख्वाब के टूटने का भी जिसमें आने वाले कल के सपने संजोए गए थे। हालांकि किसी बिल्डर की ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी नोएडा में तमाम बड़े बिल्डर ने लोगों से इसी तरह करोड़ों रुपए डकारे हैं। तो क्या
ठगी करने वाले बिल्डरों की कतार में अब एटीएस बिल्डर भी शामिल हो गया है। क्या सच में एटीएस की स्कीम वाली दाल में कुछ काला है या फिर एटीएस की स्कीम वाली ये दाल ही पूरी काली है? संजीव कुमार, समाचार प्लस, नोएडा।